मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एनिमल क्लासिफिकेशन या जंतु वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे, उसके अंतर्गत हमने संघ पोरीफेरा का अध्ययन किया था और आज हम करने जा रहे हैं फाइलम सीलेंट्रेटा या संघ सीलेंट्रेटा के बारे में अध्ययन करने। इस संघ सीलेंट्रेटा को नेडेरिया संघ भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसके लक्षणों के बारे में। संघ नेडेरिया या जो सीलेंट्रेटा है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है? तो ये ग्रीक वर्ड है जहां पर सील का अर्थ होता है हॉलो या खोखला, और एंट्रॉन यानी इंटेस्टाइन यानी खोखली गुहा वाले जो है वो सीलेंट्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसके प्रमुख लक्षण हम देखें तो इस समुदाय के सभी प्राणी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मीठे एवं खारे पानी में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय जंतु हैं, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये जंतु जो हैं वो द्विस्तरीय होते हैं अर्थात डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो कोशिकीय स्तर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपरी स्तर कहलाता है एक्टोडर्म और अंदर का स्तर कहलाता है एंडोडर्म। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। अब इसके बाद इस समुदाय के जंतुओं का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? प्रायः त्रिज्या सममित अर्थात रेडियली सिमेट्रिकल होता है। हमने आपको रेडियल सिमेट्री प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। इस समुदाय में कुछ जंतु कैसे रहते हैं? टोलियों में यानी कॉलोनियल रूप से रहते हैं तथा कुछ फ्री लिविंग यानी अकेले रहते हैं। जंतुओं में इनके शरीर में लंबी केंद्रीय गुहा यानी सेंट्रल कैविटी होती है, इसके द्वारा ही पाचन क्रिया होती है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र एवं परिसंचारी तंत्र नहीं होता। अनेक जंतुओं में बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। कई जातियों में पीढ़ियों का एकांतरण होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल अर्थात लिंगी एवं अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। उदर की ओर का जो छिद्र होता है वो मुख द्वार का निर्माण करता है। इस समुदाय के जंतु द्विलिंगी होते हैं। अब इसमें हम देखें आगे इसमें कौन कौन से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो पहले इसमें तंत्रिका तंत्र अल्पविकसित होता है, लेकिन मस्तिष्क या कोई केंद्रित तंत्रिका तंत्र पाया नहीं जाता। शरीर में रक्षा के लिए नेमेटोसिस्ट पाई जाती हैं। इनके शरीर में एक बड़ी पाचक नलिका या डाइजेस्टिव ट्यूब होती है जिसे गैस्ट्रोवास्कुलर या सीलेंट्रान कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए संघ का नाम सीलेंट्रेटा पड़ा। जंतुओं में बाह्य तथा अंतः कंकाल होता है। इस प्रकार के प्राणियों में गुदा का अभाव होता है। मुख के चारों ओर टेंटेकल्स लगे होते हैं। जंतुओं में श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। इसको वर्गीकरण अगर हम करें तो संघ निडेरिया या सीलेंट्रेटा को तीन वर्गों में बांटा गया है। कितनी? तीन वर्गों में बांटा गया, जिसके लक्षण और उदाहरण। पहला है हाइड्रोजोआ। कौन सा वर्ग हो गया पहला? क्लास हमारी हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ वर्ग में अधिकांश अलैंगिक पॉलिक या लैंगिक मेडुला अवस्था में पीढ़ी एकांतरण होता है। मीजोग्लिया जो होती है वो कोशा रहित होती है। जनन अंग प्राय एपिडर्मिस की इंटरस्टिशियल कोशा द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके उदाहरण है ओबिलिया और हाइड्रा। हाइड्रा बहुत वेल नोन उदाहरण है सीलेंट्रेट्स का। इसमें पुनरुद्भवन और आगे भी जाकर के रिप्रोडक्शन की जो मेथड है उसमें अनेक बार हाइड्रा का उल्लेख होता है। तो ये है हाइड्रा का डायग्राम है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो क्लास है इसकी, वो है स्काइफोजोआ। कौन सी क्लास है? पहली हो गई हाइड्रोजोआ, दूसरी हो गई स्काइफोजोआ। ये सभी समुद्री और एकाकी यानी फ्री लिविंग होते हैं। इसमें मेड्यूसा पालप अवस्था महत्वहीन होती है। मीजोग्लिया जो होती है वो कोशा रहित होती है, जैसे कि जेलीफिश में। इसके बाद आता है तीसरा वर्ग एंथोजोआ। एंथोजोआ में केवल पॉलिप रूप होता है और समुद्री जीव है। कॉलोनियल होते हैं अर्थात इकट्ठे समूह में रहते हैं। पॉलिप का स्वतंत्र सिरा चपटा होता है मुख बिंब के रूप में। जनन कोशा की उत्पत्ति गैस्ट्रोडर्मिस से होती है। अनेक एंथोजोआ में कंकाल होते हैं जिसे कोरल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। उदाहरण सी एनिमोन, ट्यूबीफोरा और पेनेटुला। तो ये थे बच्चों इसके वर्गीकरण के, इसको तीन क्लास में बांटा।
अब हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्लास के जो जंतु हैं उनके बारे में। पहला है हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा कहाँ पाया जाता है? ये तालाब में डूबे पदार्थों से चिपका रहता है। इसका आधार भाग चौड़ा होता है जिसे बेसल डिस्क कहते हैं। शरीर के अग्र भाग पर मुख तथा उसके चारों ओर ये ऐसे टेंटकल सी ऐसी रचना है ना, इसको टेंटकल पाए जाते हैं। स्पर्शक कहते हैं जो कि चारों ओर स्थित होते हैं। शरीर आधार किसी स्थान से चिपका रहता है। यह बहुकोशी जंतु होता है और जनन अंग अंडाशय या वृषण के उभार के रूप में पाए जाते हैं। यह मांसाहारी जीव है। तो यह था हाइड्रा के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ओबेलिया। ओबेलिया एक तंतुवत जीव होता है जो एक मंडल या कॉलोनी का निर्माण करता है। समस्त मंडल पेरिसार्क द्वारा सुरक्षित रहते हैं। इसके ऊपर एक पेरिसार्क की लेयरिंग रहती है। पॉलिप तथा मेड्यूसा के रूप में जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये पॉलिप और मेड्यूसा का ये मेड्यूसा हो गया और ये पॉलिप हो गया। मेड्यूसा जननात्मक जॉइंट होता है जो ऊपर की ओर छाते नुमा तथा नीचे की ओर उप छाते नुमा होता है। इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसके बाद आता है फाइसेलिया। फाइसेलिया देखें तो टोली बनाकर रहने वाला समुद्री जंतु है। यह बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक है। शरीर फूलकर ब्लैडर के समान रचना बनाता है जो न्यूमेटोफोर, ये जो ब्लैडर समान संरचना दिख रही है ऊपर की, ये कहलाती है न्यूमेटोफोर। बहुत डिटेल आपको अभी नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। शरीर पर लंबे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये जो लंबे लंबे आप स्पर्शक दिखा रहे हैं ये टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स हैं लंबे लंबे। इनमें नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। इसमें नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो डंक द्वारा विष निकालते हैं, पॉइजन क्रिएट करते हैं। इसे पुर्तगाली लड़ाकू भी कहा जाता है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आता है कि पुर्तगाली लड़ाकू जो है वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखें हम ऑरेलिया या जेलीफिश। सबने देखा होगा रंग बिरंगे समुद्र की, अगर मैरीन लाइफ आपने देखी हो डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, तो आप देखते हैं कि बहुत ही अच्छे कलरफुल ये दिखाई देती है। जेलीफिश समुद्र तट पर पाए जाते हैं। शरीर कैसा होता है? छत्रक के जैसे, यानी पूरे अम्ब्रेला शेप बनाता है। यह एक लिंगी जंतु है। यह जलीय प्राणियों को खाता है। सेंट्रम के बाहर यू आकार के 4 गोनेट्स, ये गोनेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये यू आकार के 4 गोनेट्स दिखाई देते हैं। मुख 4 सतह वाला उपछत्रक सतह के बीच में है। इसमें चारों ओर मुखी भुजाएं या ओरल आर्म्स प्रेजेंट रहती हैं। इसके बाद पांचवा है कोरेलियम। के लक्षण, यह पश्चिमी भूमध्य सागर की पथरीली तली में पाया जाता है। इसका रंग लाल होता है। यह कॉलोनी बनाकर रहता है। इसे रेड कोरल अथवा कोरल स्टोन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर इसका आ गया। कॉलोनी सीधी व शाखित होती है जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। पॉलिप का रंग सफेद होता है जो द्विरूपी होते हैं। ये पॉलिप है जो व्हाइट कलर के हैं, ये डाइमॉर्फिक होते हैं। इसका अगला लक्षण है ऑटो जॉइंट्स पोषक होते हैं। 8 पिन्ने टेंटाकल तथा गोनेट्स पाए जाते हैं। साइफेनो जॉइंट पर टेंटाकल नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट फीचर है कंकाल जो होता है वो लाल कैलकेरिया स्पीकल्स का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि इसके कंकाल के टुकड़े जो हैं वो मूंगा कहलाते हैं। यहाँ गलत वर्ड लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा मूंगा। मूंगा कहलाते हैं जिन्हें हम आभूषणों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों ये था हमारे संघ सीलेंट्रेटा का विस्तृत वर्णन। इसके बाद हम संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।